दिल्ली को देखिए तो हिल स्टेशन से ज्यादा ठंड हो जाती है, कई शहरों को उत्तर भारत में देखिए तो कोहरे का पर्दा ऐसा है कि लगातार कई दिनों से वो छट ही नहीं रहा है। कश्मीर में एवलांच की भयानक तस्वीरें सामने आती हैं, उत्तराखंड बर्फबारी देख रहा है, यहां लेह लद्दाख ठंड के तमाम कीर्तिमान को तोड़ रहा है। देश में लग गया है ठंड का आपातकाल। पहाड़ों पर हो रही है बेहिसाब बर्फबारी। झील, झरने, नदियां, पाइप सब जम गए। मैदानों में कोहरे ने कोहराम मचा रखा है। सड़कों, हाईवे पर जानलेवा बना हुआ है कोहरा। शहर शहर शीतलहर ने मुश्किल कर दिया है जीना। हड्डियों में से पार हो रही है सर्द हवाएं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे देश में ठंड तहर बर पा रही है, हिंदुस्तान कैसे बर्फिस्तान बन गया है। कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक और लेह से उत्तराखंड तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मैदानों का भी बुरा हाल है। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक, कानपुर से हरिद्वार तक ठंड और कोहरे ने जीना दुश्वार कर दिया है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं और यहाँ शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग आपस में अटरी पटरी मंगा करके किसी तरीके से बैठे अपना हाथ सेक रहे, जला रहे हैं। हाथ पैर काम नहीं कर रहा। दिक्कत हो रही दादा? बहुत दिक्कत हो रही। दिक्कत नहीं, खड़ा नहीं हो जा रहा। जाते वक्त पूरा ट्रैफिक लग गया क्योंकि बर्फबारी हो रही। तो ये सरकार से यही निवेदन होगा कि थोड़ा ट्रैफिक क्लियर कराती है हमें। जब ऐसा सिस्टम होता है, सुबह तब बर्फ नहीं थी, जब हमें रोका गया तब बर्फ नहीं थी, तो हमारे देखते देखते ये इतनी बर्फ हो गई। उस वक्त गाड़ियां छोड़ी होती तो हम कल पार हो जाते। पहाड़ों पर बर्फ के तूफान की ये तस्वीरें दिल दहला देती हैं। कश्मीर में पहाड़ों पर आ रही इस सफेद आफत ने खतरे का अलार्म बजा दिया है। इतना डरता क्यों है यार, आने दो ना। डरो मत, हम लोग खड़ा है। खोलना नहीं इसको। क्या आपकी बार जनवरी में जम जाएगी दिल्ली? क्या दिल्ली का माइनस में जाने वाला है तापमान? क्या आधे हिंदुस्तान पर कुदरत का कहर टूटने वाला है? क्या उत्तर भारत में अंधाधुंध छाने वाला है? ये सारी आशंकाएं मौसम विभाग के अनुमान के बाद खड़ी हुई। प्लेन्स में बारिश नहीं होगा मगर हिल्स में बारिश हो रहा है। ये भी एक कारण होगा क्योंकि आपका तीसरे दिन, आज से तीसरे दिन लेके जैसे 12, 13, 14 तारीख से हम स्ट्रांग नॉर्दर्ली विंड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर पहाड़ों में बर्फ गिरता है तो वो बर्फीली हवा आने से टेम्परेचर घटने लगेगा। तो कितना घटेगा अभी तक हम नहीं कह सकते। हम ये कहेंगे कि टेम्परेचर घटेगा और कोल्ड वेव का भी री इमर्जेंस होगा उसके साथ साथ। कुदरत ने इंसानों पर ठंड का ऐसा धावा बोला है कि अमेरिका से हिंदुस्तान तक लोग भयानक सर्दी से कांप रहे हैं। एक तरफ हिंदुस्तान में पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो अमेरिका के 90% शहरों में तापमान शून्य से नीचे चला गया है। दिसंबर 2020 में आए थे तो उससे ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है बर्फ की। अच्छा, कमरे में ही हम कल से। हाँ, बस सुबह आज मंदिर में माथा टेकने गए थे तो बड़ी मुश्किल से गए, पैर स्लिप हो रहा था। ठंड होती है तो उसमें चाय का ही सहारा होता है कि भाई थोड़ा सा आदमी
चाय पी ले तो गर्माहट आ जाती है। इस बार काफी ज्यादा है, हमने 2020 में लास्ट देखी थी स्नो, तब बहुत ही ज्यादा मतलब इतनी नहीं थी, बट इस बार तो काफी ज्यादा स्नो देखने को मिली है पूरे दिन। हमने बाहर निकलने का ट्राई किया था बट हमने वो स्किप कर दिया आइडिया, क्योंकि हमें लगा नहीं कि हम जा पाएंगे, तो हमने पूरा दिन होटल में। कोहरा भी बहुत था और ठंड भी थी बहुत ज्यादा, तो कपाने वाली ठंड थी आज दिल्ली की। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे न्यूयॉर्क से दिल्ली तक और अमेरिका से पूरे हिंदुस्तान तक जनवरी का जाड़ा लोगों को जमा रहा है।